बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ बेटा, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। दैट्स द फीचर्स ऑफ पीरियडिक टेबल। बेटा उससे पहले थोड़ा सा रिव्यू बैक कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमारे बेटा डिस्कशन हुई है लॉन्ग फॉर्म के बारे में। 3 से 4 नुक्ते हमने पढ़े थे। सबसे पहले बेटा हमने ये पढ़ा था, सर पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बिना पर अरेंज इसलिए किया जाता है क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज भी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। डन। दूसरी बात, सर पीरियड में तमाम एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, सो तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती है। नंबर 3, सर ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स की केमिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। आज बेटा आगे कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, समझने से ज़्यादा याद रखने से तलग रखते होंगे। सो आइए ज़रा डायरेक्टली बेटा रीडिंग पर चलते हैं। और ये भी बेटा एक अहम लॉन्ग सवाल है, बोर्ड में पूछा जा सकता है आपसे, बल्कि पूछा जा भी चुका है एक बार। अच्छा जी, देखिए ये आपने लर्न करना है। टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। टेबल के अंदर 7 रोज होंगी जिनको पीरियड बोलते हैं। ये मैं अगर मेरे अगर आप देख पाएँ तो यस, पहली रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये नीचे जो 2 नज़र आ रही बेटा ये इन्हीं का हिस्सा है। ये नहीं कन्फ्यूज होना कि सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। नो, 7 तक है। ये आपको स्टार लगे नज़र आ रहे हैं, ये इसके आगे और ये उसके आगे। पहला पॉइंट बेटा हमने क्या पढ़ा, 7 कितारे हैं यानी कि 7 पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। देख लेते हैं ज़रा, बार बार वापस जाना पड़ा है, किताब की थोड़ी खस्ता हारी है। चलिए पहला पीरियड, हंजला आपके पास दूसरी किताब है? अच्छा, पहला पीरियड देखें, 1 एंड 2। बल्कि बेटा मुझे याद आ गया मेरे पास शायद दूसरी किताब हो, वहाँ से निकालते हैं, प्रॉब्लम आ रही है। वेट करिए ज़रा, मोबाइल में मौजूद हो गई। ये आ गई हमारे पास किताब दूसरी। वेट करें बेटा, बस टॉपिक तक पहुंच रहे हैं। यस, नज़र आ रहा है बेटे, ये तो प्रॉब्लम हो गई है, इससे तो नज़र गुजारा ही हो रहा है। चलें खैर अगले पेज पे आते हैं। हाँ ये तो खैर आप देख पा रहे होंगे मेरा ख्याल वाजे। आप पहली रो देखें, थोड़ा मिस प्रिंट है लेकिन चलिए, 2 एलिमेंट, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। आइए ज़रा फीचर पढ़ते हैं। किताब अपने पास रख लें बेटा, यहाँ से मेरा ख्याल आपको थोड़ी दुश्वारी होगी, तो पढ़ता जाता हूँ, उधर से रीड कर लें। फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8, फोर्थ एंड फिफ्थ कंसिस्ट ऑफ 18, सिक्स पीरियड हैज 32 एलिमेंट वाइल सेवंथ हैज 23 एलिमेंट इज इनकम्प्लीट। लर्न कर लेना आपने। थर्ड पॉइंट बेटा, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हम बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम, 18 ग्रुप्स हैं बेटा 1 से लेकर 18 तक जो है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी हम बेटा बड़ी डिटेल में कल वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक्स, एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में बेटा डिवाइड किया गया है। और वो ब्लॉक होता क्या है, याद रखें बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है वो उसका ब्लॉक कहलाता है। लाइक हमने कल देखा था कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए कि आखिरी शेल ग्रुप 1 का एस में जा रहा था, ठीक है, सो दे विल बी रेफर्ड एज एस ब्लॉक। अगर बेटा किसी को हम अरेंज करें तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, दैट विल बी पी ब्लॉक। इन द सेम वे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक होंगे बेटा आपके पास पीरियडिक टेबल में। कोई आपसे पूछ ले कि ब्लॉक बनता कैसे, सर हम इलेक्ट्रॉनिक तरतीब लिखते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता वो उसका ब्लॉक होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो आगे फीचर, ये आगे वो ब्लॉक के बारे में बता रहा है अगले पेज पर। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पार्टिकुलर सब शेल, खास सब शेल की बेटा फिलिंग होने के बारे में, एलिमेंट्स विद सिमिलर सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन आर रेफर्ड एज ब्लॉक। देर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियडिक टेबल आफ्टर द नेम ऑफ सब शेल, जिसमें वो आ रहा है बेटा लाइक एस, पी, डी एंड एफ। उसके बाद आखिर से बेटा आपने याद कर लेना है
ये शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं अपने ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में, यहाँ तक ब्लॉक्स के बारे में। दोबारा सुन लीजिए, एलिमेंट्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो आखिरी बेटा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है वो उसका ब्लॉक है। अगर एस में आएगा तो एस ब्लॉक, पी में आएगा तो पी ब्लॉक, डी में आएगा तो डी, एफ में आएगा तो बेटा एफ। अब बेटा ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हम इनको ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं, याद रख लेना। और आपसे पूछ ले व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल जो हैव टू से सर द एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक डी, इनको हम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। यहाँ तक आज का काम है, ये आपके पास लॉन्ग सवाल होगा बेटे, इसे आपने लर्न कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।